हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर। आपके चैनल डिप्लोमा लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ। तो मैं आपको सर्विंग फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स के बारे में इसके पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक। तो आज का पहला हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारा क्या है, ऑफसेट है। इसको क्या कहते हैं, खसका, ठीक। हमारा पहला टॉपिक आज का क्या है, ऑफसेट खसका। तो आप कहेंगे सर ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट क्या होता है, जब आप कोई भी जब सर्वेक्षण करते हैं आप, यानी चेन सर्वे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर कौन चल रहा है, चेन सर्वे ना, नहीं फिर पता लगा चैप्टर नहीं पता, कोई नया हो तो उनको पता लग जाए, ठीक। तो चेन सर्वे है, ठीक। चेन सर्वे में हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑफसेट के बारे में। जब हम लोग सर्वेक्षण करते हैं, सर्वेक्षण करते समय हम लोग क्या करते हैं कि कई कई जहाँ पर अलग अलग तरह की आकृतियाँ या फिर कोई भी चीज़ बना हो, भवन, जंगल, जो भी चीज़ें हैं, अगर कोई बड़ी सी मंदिर बनी हो, कुछ भी बना हो, तो उसकी आकृतियाँ जो हम अपने दिखाते हैं सर्वेक्षण में, ठीक। आकृतियों की जो दूरी होती है, यही क्या होती है हमारी, ये खसका होता है, ठीक। ये क्या होती है, विभिन्न विभिन्न, क्या अगर कहना चाहे खसके की एक डिफिनेशन, तो क्या होता है, सर्वेक्षण के दौरान विभिन्न विभिन्न आकृतियों की स्थितियों की स्थितियों मतलब स्थितियों को दर्शाना, या फिर पारस्परिक स्थितियों मतलब आपस में दिखाना कि कितनी दूरी पे है, ठीक। तो यही क्या होता है, खसका होता है, ठीक। खसका आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। तो खसके में जब जाएंगे तो खसके के टाइप्स भी हैं, ठीक, खसके कुछ प्रकार भी हैं। मेनली के खसके के दो प्रकार हैं, मेनली खसके के दो प्रकार है, कौन कौन से, परपेंडिकुलर ऑफसेट। एक परपेंडिकुलर ऑफसेट हो गया, ठीक, परपेंडिकुलर मतलब लंब, हाँ ध्यान रहे। एक हो गया ऑब्लिक ऑफसेट, ठीक। अब कहेंगे सर परपेंडिकुलर ऑब्लिक क्या होता है, एज इट इज जैसे नेम में शो हो रहा है आपको, परपेंडिकुलर मतलब लंब होगा, ऑब्लिक मतलब कहीं भी होगा, किसी भी आउटर पॉइंट से, ठीक। तो अगर समझना चाहें हम, तो हमको अगर एक लाइन दी है और हमको इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आना है, तो किस तरह के सॉफ्ट मतलब किस तरह के ऑफसेट का यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर बोल लेते हैं सॉरी, किस तरह के ऑफसेट का यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर ऑफसेट का। यहाँ से मान लीजिए अगर हम खड़े हैं, हमको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आना है, तो किस तरह का ऑफसेट यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर, है ना। यानी कि ए बी सर्वेक्षण रेखा है, अगर बिंदु सी से डी पे आ रहे हैं, तो किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट का यूज़ करते हैं। यही जो खसके दूरी होगी वो हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर ऑफसेट होगी। और दूसरा क्या है हमारा, हमारा दूसरा है ऑब्लिक ऑफसेट, ठीक। हाँ, तो क्या बता रहे थे आपको, हम ऑब्लिक ऑफसेट पे बता रहे थे। ऑब्लिक ऑफसेट क्या था, ऑफसेट ऑब्लिक मतलब होता है तिरछा, ठीक। यानी कि मान लीजिए अगर यहाँ से चले हम और यहाँ से चले, ठीक, तो ये दोनों क्या है, तिरछे हैं ना, तिरछी दूरियाँ। ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, और सी से ए से भी सी पे जा रहे हैं और बी से भी सी पे जा रहे हैं, यानी दोनों क्रॉस जा रहे हैं, तिरछा जा रहे हैं। तो यही क्या होता है, ऑब्लिक ऑफसेट हो। और परपेंडिकुलर जा रहे थे तो क्या था, परपेंडिकुलर ऑफसेट। अब कहेंगे सर परपेंडिकुलर ऑफसेट लिया कैसे जाता है, ऐसे थोड़े सीधे ले लेंगे, क्या करेंगे इस पॉइंट पे एक क्या करेंगे, चेन, एक आदमी को पकड़ा देंगे, यहाँ चेन पकड़ के खड़ा रहेगा, ठीक। दूसरे आदमी से कहेंगे कि ये ए बी लाइन पे आ जाओ, ठीक। अब ए बी लाइन पे उसको क्या करेंगे, मूव कराएंगे। मूव कराने पर क्या होगा, कहेंगे थोड़ा आगे जाओ या थोड़ा पीछे, डायरेक्शन सिग्नल देकर, ठीक, हैंड सिंबल देके, ठीक, हैंड सिंबल देके। अब इतनी दूर तक आवाज़ तो नहीं पहुँचेगी, दूर रहेगा तो, ठीक भाई, अब जिसके पास ज़्यादा तेज़ आवाज़ है चिल्लाए है, तो हम लोग क्या करते हैं, हैंड सिंबल देके उसको किनारे कर लेते हैं, कहते हैं मतलब थोड़ा इस साइड आओ, तो एकदम मिनिमम जहाँ पे दूरी क्या मिले, सबसे मिनिमम मिले, सबसे कम दूरी मिले, है ना। मूव करेंगे तो जब ऐसा पॉइंट आएगा, यहाँ पे हल्का सा इधर आएंगे तो बढ़ जाएगी, हल्का सा इधर जाएंगे तो बढ़ जाएगी, और जब हम पता लग जाएगा कि भाई यहाँ से अगर इधर बढ़ रहे हैं तो डिफेक्ट है, यहाँ से इधर बढ़ रहे हैं तो डिफेक्ट है, मतलब ये जो पॉइंट है ये हमारा यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस मतलब न्यूनतम दूरी, यहाँ से जो न्यूनतम दूरी होगी वही क्या होगी, इसका लंब होगा, है ना। तो यहाँ से पकड़ के खींच दिया भाई पूरा, बस हो गया परपेंडिकुलर ऑफसेट, है ना। ऑफसेट यही तो होता है ना, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को
कवर करना, यानी एक आकृति से मान लीजिए कोई चीज़ बना था घर भर, फिर यहाँ से हमने देखा यहाँ पे एक और चीज़ बना है मॉल वॉल, तो घर से मॉल तक का डिस्टेंस, फिर ये मॉल रोड पे बना हुआ है ना, तो परपेंडिकुलर आ गए, पता लग गया है ना। तो उसी तरीके हमारा क्या है, ऑब्लिक ऑफसेट है, ये भी ऑब्लिक ऑफसेट भी ऐसे होता है, तिरछा होता है, कि मतलब इधर से एक आदमी खड़ा कर देते हैं, उधर से खड़ा कर देते हैं, एक इधर से लेके जाता है पहले यहाँ तक, फिर बी से लेके जाते हैं फिर यहाँ तक, ठीक। हमको जितनी डिस्टेंस पती रहती है उतने हिसाब से चलते हैं अपना, ठीक। तो दोनों ऑफसेट आप लोग को पता लग गया होगा कि क्या होता है, परपेंडिकुलर और ऑब्लिक, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ऑफसेट में एक चीज़ और है, ऑफसेट में ही आगे देखेंगे दो टाइप और दे रखा है। लॉन्ग शॉर्ट बहुत इजी है, जैसे एज इट इज़ नेम लिखा रहता है, बहुत कठिन नहीं होता। सर्वी केवल सर में कुछ टेक्निकल टर्म दिए हैं वो समझने की चीज़ है, और जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए, बस इतना एनफ, ठीक। और नोट्स हमारी रहेगी, अगर उससे पढ़ लेंगे एक बार, हमारे आपने नोट्स पढ़ ली तो समझ लीजिए आपका सर्वे पूरा तैयार, कहीं से कुछ पढ़ने की और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोट में सब अवेलेबल है, ठीक। ये क्या है, लॉन्ग ऑफसेट और शॉर्ट ऑफसेट। लॉन्ग मतलब जो भाई लंबा होगा, बहुत दूर तक होगा, है ना। शॉर्ट ऑफसेट जिसकी डिस्टेंस शॉर्ट होगी, है ना, उसको शॉर्ट ऑफसेट कह देंगे। अगर लॉन्ग कहेंगे तो लॉन्ग भाई बहुत दूर रहता है, जो आंखों से अगर लिखना चाहे डिफिनेशन, तो क्या होगा, एक खसका अगर दूसरे खसका से आसानी से नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, लॉन्ग ऑफसेट, और आसानी से दिख जा रहा है तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट ऑफसेट हो जाएगा, ठीक। सिंपल, तो ऑफसेट के बारे में आप लोग समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक। ऑफसेट यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ऑफसेट के आगे हमारा क्या टॉपिक, अभी हम बता रहे हैं कि मतलब चेन थ्रोइंग में जो हम करते हैं कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरीके से यूज़ होती हैं और क्या क्या चीज़ होता है। ऑफसेट होता है, चेन लाइन होता है, चेक लाइन बताया हमने, ठीक। कई तरह की लाइन बनाए, इंस्ट्रूमेंट बताए, ठीक, यूज़ करने के लिए परपेंडिकुलर। अब क्या है, फील्ड बुक के बारे में, ये जो चीज़ें हम रीडिंग आएगी या जितने तरह की हमने नापा वो कहीं लिखेंगे भी तो कोई कॉपी होगी, किताब होगी, जहाँ पे डाटा नोट करेंगे सारा, तो वही हमारी क्या होती है, फील्ड बुक होती है। फील्ड बुक मतलब फील्ड में जो हम सर्वे करते हैं तो उस फील्ड में लेके जाते हैं, जितनी भी नोटिंग, जितनी भी तरह की माप होगी उस फील्ड में लिख के अपना रख देंगे, ठीक। फील्ड ये कितने लेंथ की होती है, 25×12, ठीक, 25×12 सेंटीमीटर, ठीक, 25×12 में होती है, यानी कि अगर कहना चाहे सर तो लेंथ में होती है ना, किस में होती है, लंबाई में होती है, लंबी होती है। सही से बना दिया, तिरछा बन गया है ना, ऐसे ही तो कुछ रहेगी किताब, ऐसे रहेगी, ऐसे खोलेंगे भाई, देखे होंगे कोई कोई लंबी कुछ किताबें उसमें बीच में एक लाइन भी बनी रहती है, एक तरफ नाम एक तरफ उसका मेजरमेंट, नाम फिर मेजरमेंट क्या चीज़ है, डिटेल उसमें सब प्रिंट रहता है। फील्ड बुक में क्या होता है, स्पेशल टाइप की एक बुक होती है, इसमें सब प्रिंट रहता है डिटेल, क्योंकि सिविल इंजीनियर के लिए रहती है, तो कौन सी क्या मापन कहाँ लिखना है क्या सब प्रिंट रहेगा, ठीक। तो वही वही हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे, है ना। तो फील्ड बुक के बारे में पढ़ लिया, और फील्ड बुक में क्या होता है, दो तरह की फील्ड बुक आती है हमारी, कितने तरह की आती है, दो तरह की, एक सिंगल लाइन फील्ड बुक होती है, एक डबल लाइन फील्ड बुक होती है ना। किताबें कितने तरीके आती है इसकी, फील्ड बुक जो है कितने तरीके आती है, सिंगल लाइन, डबल लाइन, अगर सेंटर में सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन फील्ड बुक, फील्ड सॉरी बोलती है, अगर सिंगल है तो सिंगल लाइन फील्ड बुक, ठीक, और डबल लाइन है तो डबल लाइन फील्ड बुक, ठीक। आगे फील्ड बुक होगा, नहीं कुछ महानुभाव जो है सिंगल लाइन डबल लाइन केवल लिख के चले जाएंगे, ठीक। तो सिंगल लाइन और डबल लाइन आपको फील्ड बुक समझ में आ गया होगा, और फील्ड बुक क्या होता समझ में आ गया होगा, और ऑफसेट जो पहले बताया था, ठीक, ऑफसेट भी समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई चीज़ एक बार जैसे हमारे बताए पूरी तरीके से नहीं समझ में आती तो एक बार नोट्स में जाकर देख लीजिए, ठीक, वो जल्द ही हम मतलब अवेलेबल करा देंगे आपको, नोट्स कह देंगे सर आपके सौरभ सर से कि नोट्स अवेलेबल कर दें आप लोग के लिए, जितना मैं पढ़ाता जाऊंगा देता जाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा उसकी भी दे जाऊंगा, मतलब नोट्स पूरी आपको मिल जाएगी इसकी। बाकी हाईवे की अभी तैयार हो रही है, कुछ लोग को शिकायत है कि हाईवे की नोट्स सर नहीं मिली या चाहिए, फोन करते रहते पूछते रहते, ठीक। तो अब इसके साथ हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है,
जब हम चेन सर्वेइंग करते हैं तो चेन सर्वेइंग करने के दौरान हमें किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ती है, कितने तरह के सामान हम यूज़ करते हैं चेन सर्वेइंग। ठीक, बारी बारी सबका नाम लिख देते हैं, आप लोग को अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। ठीक, क्या करते हैं, एक ड्राइंग बोर्ड यूज़ करते हैं, है ना, दूसरा टी स्क्वायर यूज़ करते हैं, ठीक, और सेट स्क्वायर भी यूज़ करते हैं, इसी में लिख दें या फिर अभी बहुत लिखना है, ब्लैक बोर्ड आपको उतना बड़ा है नहीं, प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं, यानी प्रोटेक्टर चांदा, समझ रहे होंगे ना, समझ रहे होंगे, जो चीज़ नहीं समझ में आएगी कमेंट कीजिएगा, आपको मैं बता दूंगा। और अधिकतर चीज़ें तो सिंपल ही है, बहुत कठिन इंग्लिश नहीं। अब इंस्ट्रूमेंट का मतलब कौन नहीं जानता हुआ, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, जिसमें तरह तरह के यंत्र रखे हुए जो जो यूज़ करने हमको। ठीक, फ्रेंच कर्व्स, ठीक, सेट ऑफ स्केल्स, बहुत नाम है, ठीक, ऑफसेट स्केल, ऑफसेट स्केल हो गया ना, देखिए ऑफसेट के बारे में बताया ना, तो ऑफसेट की एक स्केल आती है, ऑफसेट खसका नापने की, पैरेलल रूलर, है ना, ड्राइंग शीट्स, एंड पिंस, शीट को दबाने के लिए पिन भी तो चाहिए रहेगी, है ना, देखिए कलर बॉक्स है, ब्रश, ब्लैक इंक, तो इतनी चीज़ें आपकी एक तरह से अगर देख ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि जो है जब हम चेन सर्विंग करते हैं तो चेन सर्विंग के दौरान हमने कितने कितने तरह के चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। ठीक, ड्राइंग बोर्ड है, बोर्ड लिख दिया, सॉरी, बोर्ड है, ठीक, गलती बहुत कर रहे हैं सर, ड्राइंग बोर्ड है, ठीक, टी स्क्वायर है, प्रोटेक्टर है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, और क्या है, फ्रेंच कर्व है, सेट ऑफ स्केल है, ऑफसेट स्केल है, पैरेलल रूलर है, ड्राइंग शीट है, ठीक, ड्राइंग पिंस भी है, कलर बॉक्स है, ब्रश है, और लास्ट में ब्लैक इंक है। तो इतने तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं, हो सकता हो एक दो चीज़ छोटी हो तो वो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर ये चीज़ छूट गई है, ठीक, हमको बहुत अच्छा लगे, इससे ये भी पता लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, नोट करना हो वीडियो रोके आप लोग नोट कर लीजिए, ये मैं कुछ चीज़ें नोट करने के लिए कहता हूँ, अगर इसको कहीं नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ एक आपकी नोट बन के तैयार होगी क्विक रिविज़न के लिए, कि क्या चीज़ होती है, क्या क्या काम आता है, हम शॉर्ट में बताते हैं एकदम, नोट से भी शॉर्ट, है ना। अगला टॉपिक क्या है हमारा, ऑब्स्टिकल्स इन चेन सर्विंग, ठीक, यानी चेन सर्वेक्षण में आने वाली बाधाएं, ऑब्स्टेकल मतलब क्या होता है, बाधाएं, हिंदी में लिख दें, अगर हिंदी और इंग्लिश में चाहे तो लिख सकते हैं क्या, चेन सर्वेक्षण में आने वाली बाधाएं, ठीक, ऑब्स्टेकल्स इन चेन सर्विंग, तो मतलब अगर हम कोई भी सर्वे करते हैं, ठीक, चेन सर्वे तो आसानी से हो नहीं जाता है, एकदम सिंपल खाली मैदान तो आपको मिल नहीं जाएगा, हो सकता है लोग भी बसे हों, कुछ मंदिर हो, कुछ जंगल हो, ठीक, तो जो चीज़ें मिलती हैं वो क्या होती है हमारी, ऑब्स्टेकल होती है, यानी हमारे कार्य में, हमारे सर्वेक्षण में आने वाली जितनी बाधाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, हम ऑब्स्टेकल कहते हैं। अब इसके बारे में फर्दर पढ़ते हैं, पहला हमारा है ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग एंड देयर रेमिडीज, REMEDIES, ठीक, ये पहला हो गया, दूसरा क्या है,
दूसरा है ऑब्स्टिकल्स इन चेन सर्विंग। कुछ लोग का सिमिलर लग रहा होगा, है ना? ठीक। एंड देयर पर दोनों अलग अलग है, ठीक। रिमेडीज, ठीक। क्या है? ऑब्स्टिकल्स इन चेन सर्विंग। चेन सर्विंग में मतलब, हाँ, ऑब्स्टिकल्स इन चेनिंग है, सॉरी, चेनिंग में आने वाली बाधाएं, ठीक, और उसका निवारण। रिमेडीज क्या होता है? उसका निवारण। ये ऑब्स्टिकल क्या हो गया? बाधा। और बाधा का निवारण क्या हो गया? रिमेडीज। रिमेडीज को कहते हैं निवारण, ठीक। ऑब्स्टिकल्स इन चेन सर्विंग मतलब चेन सर्विंग में आने वाली बाधाएं और उसका निवारण। हिंदी वालों के लिए चाहे तो लिख लें, निवारण हिंदी, ठीक। अब तो समझ आ रहा होगा ना, ठीक। ये होता है रेमेडीज। तो पहला क्या है? चेनिंग, चेनिंग में आने वाली मतलब आपके जो भी बाधाएं, जब हम चेनिंग कर रहे जाते हैं तो चेनिंग में करते वक्त हमें जो बाधाएं आती हैं वो क्या होती हैं? ऑब्स्टिकल्स इन चेनिंग एंड देयर रेमेडीज। चेनिंग मतलब चेनिंग की हिंदी, हिंदी वालों के लिए हिंदी लिख दे रहे हैं। ये आरेखन हो गया। चेन सर्विंग में क्या मतलब क्या हो गया? अब अंतर समझ में आ रहा होगा, है ना? तो कई बार हिंदी बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो देख लीजिए हिंदी का महत्व क्या है। तो पहले क्या है? आरेखन में जब करते हैं तो कौन सी बाधाएं आती हैं उनका निवारण, और जरीब मापन जब करते हैं तो उसमें उनका मतलब आपके आने वाली बाधाएं और उसका निवारण। तो अगर देखना चाहेंगे तो पहला क्या है हमारा? ऑब्स्टिकल्स इन चेन सर्विंग मतलब चेनिंग, गलत बोल रहे हैं, चेनिंग में, ठीक, यानी आरेखन में आने वाली हमारी बाधाएं। आरेखन में बाधाएं हमारे कैसी आती हैं? दो स्थिति हो सकती है आरेखन में आने वाली बाधाओं की, ठीक। कौन कौन सी स्थिति है? रुकिए बताते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें भी अगर हम लोग आते हैं तो इसमें क्या मिलता है? दो केस मिलता है, ठीक। हिंदी में स्थिति, सॉरी लग गया, ठीक, स्थिति पहली हो गई, ठीक, और स्थिति दूसरी। दो तरह की पोजीशन हमें मिलेगी, ठीक। किसमें? आरेखन में जब आरेखन करने जाएंगे तो क्या होगा? हमें दो तरह की पोजीशन मिलेगी, जैसे दो तरह की बाधाएं मिलेगी। एक क्या होगा? अगर हमें जब हम करते हैं ट्रेनिंग तो क्या होता है? जब हमें एक खसका दूसरे खसके से जो है, जब विजिबल मतलब जहां से हमें करनी है ट्रेनिंग और जो उस पॉइंट पे ख़त्म होती है एट द एंड, वो हमको आँखों से साफ साफ दिख रहा है ना, साफ साफ। और दूसरा क्या है? एक में साफ साफ दिखे, दूसरे में साफ साफ ना दिखे, है ना? एक में दिखाई दे, एक तो मतलब एक खस का दूसरे खसके से, यानी एक स्टेशन दूसरे, वही जो मैंने बताया था इसके पहले, और फिर ना दिखाई दे, है ना? समझ में आ गया कि दो पोजीशन होगी अगर हम चेनिंग करने जाएंगे तो दो तरह की स्थितियां हमारे सामने निकल के आएंगी। कैसी? या तो हमें दिखाई देगा सामने, थोड़ी दूर पे है भाई, आराम से देख ले रहे हैं, या तो बहुत दूर है, बहुत दूर है तो भाई दिख नहीं रहा, या तो बीच में कुछ और आ गया है, कोई भी चीज़, जंगल अंगल जो भी चीज़ आ गया हो, कोई घर आ गया हो बीच में, हम यहाँ खड़े हैं वो सब बीच में घर है, अब कैसे करेंगे बताइए, है ना? तो वही सब चीज़ है। तो क्या है वो? हमारा ऑब्स्टिकल है, वो बाधा आ गई, सिंपल चीज़, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। निवारण के लिए कुछ करेंगे, हो सकता हो घूम के जाएं, अब भाई बीच में घर है तो क्या कर सकते हैं? निजी घर होगा किसी का तो भाई नहीं हटा सकते, बाकी अगर सरकार चाहे खरीदना बोलेगी, जैसा उनको उस हिसाब से उसका मूल्य देगी देख कर, फिर ले लेगी, फिर उसको गिरा के काम किया जाएगा। तो मतलब जिस स्थिति से जैसा स्थिति होगी वैसा देख के काम किया जाएगा। इसमें क्या होता है? दिखाई ना दे, वही जो मैंने बताया। इसमें क्या हो? एकदम सिंपल सा दिखाई दे, समझ गए होंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या? ऑब्स्टिकल्स इन चेन सर्विंग वाला, जब जरीब से नापते तो भी दिक्कत आ सकती है। क्या दिक्कत आ सकती है? चेनिंग जब करने जाते हैं तो मान लीजिए हमको बीच में तालाब मिल गया,
हमको बीच में तालाब मिल गया भाई, यहाँ से चेनिंग कर रहे थे, यहाँ जा रहे थे, यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद हमको तालाब मिल गया। जरीब, अब तालाब में जरीब कहाँ लेके जाओगे, नदी तालाब में तो घुस के जाओगे नहीं जरीब मापन करने। ठीक, तो क्या है इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी के पैरलल, यानी कि मान लो ए से बी तक करना था, इसी के पैरलल लेंगे यहाँ सी, ये सी पॉइंट हो जाएगा, ये डी पॉइंट हो जाएगा। अगर और क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, सी डी, ऐसे ही नोट में दिया हुआ है, तो ये पेपर में आपको लिखना पड़ेगा। बिंदु ए अलाब तालाब के एक तरफ ए है, दूसरी तरफ बी है, हमको जाना है, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर लेते हैं डिस्टेंस, फिर यहाँ सी पॉइंट डी पॉइंट होता है, सी डी बराबर क्या होता है, ए बी होता है ना। तो ये क्या होगी, पहले केस हो गई, जब हमको मतलब एक निश्चित मात्रा में बाधा मिल गई कि यहाँ से यहाँ तक ही तालाब है, और मान लीजिए हमको कोई दलील मिल गई नदी है ना, और हमको करना है ना, कोई नदी मिल गई, करते आ रहे थे भाई, खूब दूर तक है नदी, अब तो इधर उधर जा नहीं सकते, ना यहाँ जा सकते ना यहाँ जा सकते, तब क्या करेंगे, कुछ है रास्ता? हाँ है भाई, बिल्कुल रास्ता है, अगर नदी है भाई, नदी है तो नदी में भी करना जानते हैं, है ना। नदी में कैसे करेंगे, बिगाड़ देते हैं इसको, गर्मी हो रही, ग्राम दिया है, ठीक, ये क्या हो गया, पी बी डी सी ई और आर ए, ठीक, ये क्या आपकी जा रही है, रिवर फ्लो हो रही है आज। ठीक, तो यही हमारा कैसे कर रहे हैं, नदी को क्या किया, एक रेखा खींच रहे हैं, क्या सर्वेक्षण रेखा खींच रहे हैं, जो क्या कर रही है, नदी को काटती हुई, ठीक, नदी को काटती हुई, ये भी क्या कर रही है, सर्वेक्षण सर्वेक्षण रेखा है ना, सर्वेक्षण रेखा से खींचते हैं, तो पहले क्या करते हैं यह एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट सी, एक पॉइंट ए है ना, तो क्या होना चाहिए, हम ध्यान देते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट है हमारा क्या हो, जब करें सर्वेक्षण तो तीनों एक ही लाइन में आना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, तीनों एक ही लाइन में आना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, पहले यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक की, फिर यहाँ से यहाँ तक की, फिर यहाँ, है ना, बस इसमें क्या ध्यान रखते हैं, हमारा जो पॉइंट पी है, पॉइंट सी है और पॉइंट आर है, ठीक, ये तीनों क्या है, एक ही लाइन में होने चाहिए, इसीलिए हमने एक लाइन खींची है डॉटेड, है ना, क्योंकि सर्वेक्षण ए से बी का कर रहे हैं, समझे। तो ऐसे हमारा नदी का भी हो गया, यानी कि ऑब्स्टिकल्स इन चेंज सर्वेइंग एंड देयर रिमेडी, ये पॉइंट हमारा कवर हो गया। ऑब्स्टिकल के बारे में मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे, और उसमें आने वाली बाधाओं के बारे में कितने कितने तरह की होती है, है ना। एक रिविजन के लिए कहें तो पहले क्या बताया कि चेनिंग जब कर रहे थे तो कौन सी बाधाएं आई थी, भाई दो पोजीशन आई थी, एक में दिख रहा था सामने, एक में सामने नहीं दिख रहा था, कोई भवन आ गया, इसमें क्या था, पहले एक तालाब आया, फिर क्या आ गई, नदी आ गई, है ना, सीमित फिर असीमित। ठीक, अगला टॉपिक हमारा क्या है, अब एरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अगर हम कोई चीज़ करते हैं, या अगर हम चेंज सर्विंग करते हैं, या फिर किसी भी तरह की सर्विंग कोई भी काम करते हैं या प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसके अंदर कुछ एरर भी तो आती है, हमारी त्रुटियां आती हैं, तो एरर के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरह की एरर, हमसे कोई कह भी रहा था सर एरर पढ़ाए नहीं है कमेंट में इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक, तो देख लीजिए एरर, अच्छा देखते बच्चे बच्चे एकदम आगे चलते हैं जो पढ़ने वाले रहते हैं हमसे, है ना, क्या है त्रुटियाँ, तो एरर क्या होता है, एरर वही होता है जो अगर करते समय
हमें सर्वेक्षण हमसे जो गलतियाँ होती है या फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाती है या तो नेचर की वजह से कुछ एरर होता है, मतलब गड़बड़ी आती है जो है जो भूल जाते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ तक गिना था तो ये सब क्या हो गई हमारी, यही सब एरर छोटी छोटी, इसी सबसे हमारी त्रुटियाँ होती है। जो गलतियाँ होती हैं वही क्या होती है, त्रुटियाँ, वो किसी के द्वारा हो सकती हैं। ठीक, पहला क्या है इसमें, पहले डेबिट लिख लेते हैं फिर बारी बारी सबके बारे में बता देंगे। एक क्या होती है हमारी, कम्युनिटिव एरर होती है, ठीक, संचयी त्रुटियाँ, है ना, हिंदी वाले लिखना चाहे तो क्या होता है, संचयी त्रुटियाँ। तीसरा कंपनसेटिंग, दूसरा था, तीसरा क्या है, मिस्टेक्स इन चेनिंग। तो तीन है हमारा, ठीक, तीन तरह के क्या है, एरर है, कौन कौन से, कम्युलेटिव एरर है, कंपनसेटिंग है और मिस्टेक्स इन चेनिंग है। पहला क्या है, कम्युलेटिव यानी संचयी त्रुटियां। संचयी त्रुटियां क्या होती हैं, किसी भी तरफ जाएंगे आप तो एक आपकी त्रुटि जो रहेगी सेम रहेगी, है ना। अगर मान लीजिए इस पोजीशन पे खड़े हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, ठीक, एक मिनट रुकिए, डाउट हो रहा है हमें। हाँ, तो देख लिया मैंने, कम्युलेटिव एरर क्या होता है आपका, चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं, कुछ चीज़ें हैं, अब सब चीज़ें याद तो नहीं रहती है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसमें मत टटकिए। संचयी त्रुटियाँ, पहला क्या था हमारा, संचयी त्रुटियाँ कम्युलेटिव एरर के बारे में। कम्युलेटिव एरर क्या होता है, बढ़ने के साथ बढ़ेंगी, अगर परिमाण हमारा बढ़ेगा तो उसके साथ बढ़ेंगी और अगर घटेगा तो घटेंगी, यानी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, अगर मान लीजिए इधर बढ़ रही तो बढ़ती रहेगी, ठीक, त्रुटियां भी बढ़ती रहेंगी और परिमाण भी बढ़ता रहेगा। जैसे जितना ज़्यादा मेजरमेंट लेते रहेंगे, माप लेते रहेंगे, उतना ज़्यादा आपकी त्रुटि बढ़ती जाएगी, ठीक। जैसे जितना ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ज़्यादा गलतियाँ करेंगे, मान लीजिए कम त्रुटियाँ हो रही हैं, लेस हो रहा है, जैसे आपकी जो त्रुटियाँ दो तरीके हो सकती है, या तो पॉजिटिव में हो रहा होगा, या तो कुछ बढ़ रहा होगा, या तो निगेटिव में हो रहा होगा, है ना। त्रुटि किस तरीके हो सकती है, या तो ऋणात्मक या तो धनात्मक, तो अगर बढ़ता है तो धनात्मक हो जाती है और घटता है तो ऋणात्मक हो जाती है। तो परिमाण बढ़ रहा है तो बढ़ती रहेगी, घट रहा है तो घटती रहेगी, किस तरह की एरर हो जाएगी, संचयी एरर हो जाएगी, है ना, कम्युलेटिव एरर, संचयी त्रुटि। फिर क्या है, कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, ये कुल मिला के लास्ट में आपकी बराबर हो जाती है, मतलब हमेशा घटती घटती रहती है एक तरह से समझें। तो मान लीजिए अगर इधर जाने पर बढ़ रही है, फिर आगे जाने पर फिर थोड़ा घट भी जा रही है ना, कुल मिला के एट लास्ट जब आप मापन वापन कर लेते हैं, जब नोट कर लेते हैं, तो जो आपकी रीडिंग आती है वो सही रहती है, उसमें त्रुटि नहीं रहती, ये सेल्फ मतलब अपने आप से ही ख़त्म हो जाती है ना, ऐसी त्रुटि रहती है। और क्या है, मिस्टेक्स इन चेनिंग, अगर मान लीजिए मिस्टेक्स इन चेनिंग क्या हुआ, चेनिंग में मिस्टेक्स हमसे हो जाए, ठीक, क्या करें, अगर हमने माना भाई 5 मीटर तक नापे थे, फिर याद आ रहे नहीं 6 मीटर तक था ना, फिर क्या हुआ, हमसे मिस्टेक हो गई, हमने 6 मीटर ले लिया, भाई 5 मीटर था, तो हमसे क्या हुआ, मिस्टेक हो गई। तो वही अगर हम भूल गए या गलत पकड़ लिए या सही से पकड़े नहीं थे जरीब को, कोई भी मिस्टेक हो, हमसे हो गई, ठीक, तो क्या हो गया, मिस्टेक्स इन चेनिंग, मतलब जरीब के दौरान जो जरीब मापन में जो भी गलतियाँ हमसे होती हैं, क्या हो सकता हो, चेन में भी आपके डिफेक्ट हो, है ना, चेनिंग में भी डिफेक्ट हो सकता है, चेन ही नहीं सही बन के भाई, हम कहेंगे हमसे गलती ही नहीं हुई, फिर क्या होगा, जाँच होगी, पता लगेगा जरीब गलत है। चीज़ें भी सही यूज़ करनी चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं एक बार उसका जांच कर लेना चाहिए, आपको अगर नॉलेज है तो उसकी भी परख करनी चाहिए पहले, फिर आप उसको फील्ड में जाके यूज़ करें, है ना, नहीं फिर लास्ट में आपका ही दोष निकलेगा कि आपने चेक क्यों नहीं किया। वो क्या थी हमारी, एरर के, ठीक, एरर के बारे में मुझे लगता है आप लोग पढ़ लिए। सॉरी, इसके बाद हमारा क्या है, अब बहुत ज़्यादा हम कंटेंट नहीं बता पा रहे हैं कम समय की देखते हुए,
लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, क्या है? कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल, है ना? ठीक, कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल। सॉरी तिरछी। तो कुछ क्या होता है कि जब हम अपना नक्शा बनाते हैं या फिर हम चेन सर्विंग करते हैं, जब हम मैप बनाते हैं, चेन सर्विंग में बनाते हैं ना, ऊपरी आवरण विच्छेद सर्वे में, है ना, बताए थे रेकोनेंस में, क्या होता है, एक ओवरव्यू बनाते हैं। तो जब ओवरव्यू बनाते हैं या फिर मैप भी अगर हम ड्राइंग भी बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें जो जो चीज़ जहाँ जहाँ रहती उसको एक सिंबल से दोहराते हैं कि भाई ऐसा तो है नहीं सब जहाँ डॉट रख देंगे तो पता क्या लगेगा कि क्या चीज़ कैसे। मान लीजिए मंदिर बना, तो हम लोग को यहाँ मंदिर बना दिया छोटा सा, है ना, ये क्या हो गया, अब पता लग जाएगा भाई हमें कि यहाँ पे मंदिर है, है ना। अगर कहीं रोड है, हाईवे है, ऐसे बना दे रहे हैं, है ना, तो पता लग जाएगा हमें भाई क्या चीज़ है। तो उसी तरीके की ऐसी चीज़ें चिन्ह या सिंबल जो क्या होता है, हमें मैप पढ़ने में आसानी रहती है और हमें विभिन्न विभिन्न हमारे रास्ते में जो भी बाधाएं या आकृतियाँ आ रही हैं उसको मैप में आसानी से शो करें। वही क्या होता है, कन्वेंशनल साइन होते हैं और सिंबल होता है। ठीक, हिंदी में कहना चाहे तो सांकेतिक एवं रूढ़ी चिन्ह। सांकेतिक सांकेतिक एवं रूढ़ी रूढ़ी चिन्ह। ठीक, सांकेतिक एवं रूढ़ी चिन्ह। अब हम आपको सिंबल बना के दिखा रहे थे कितने टाइप्स के हैं। ठीक, पहले बना देंगे फिर सबका नाम शो करेंगे। ठीक, ये हमारा क्या हो गया है, चेन लाइन हो गया। ये क्या हो गई हमारी बिल्डिंग, मंदिर का मैंने बताया ही है। चलिए, हम क्या देख रहे थे, कन्वेंशनल साइन और सिंबल के बारे में देख रहे हैं। ठीक, कुछ चीज़ें हैं उसको नेगलेक्ट कीजिए, अब रहेंगे तो भाई कुछ आवाज़ें आएंगी। अब सिंबल बना रहे हैं बारी बारी, अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, बाकी समझने को तो समझ भी जाएंगे, बहुत कठिन नहीं है कोई सिंबल, जैसा होता है एज इट इज सिंबल भी बना है उसका। क्या है सिंपल सिंपल पहले बना दे रहे हैं आपके लिए। ऊपर बनाते कुछ कवर हो जाएगा, ये सिंबल है, अगर आप लोग हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लें, कठिन नहीं है सिंबल, इजी है। ठीक,
ठीक है, ये हो गया। और ये एक चीज़ और बचा है, ये मेरे ख्याल से आपका सारा सिंबल बन गया। अब ठीक, सबकी बारी बारी नेपिंग कर देते हैं और जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है, कौन सा अधिकतर पता लग रहा हो, बस कुछ चीज़ें नहीं जान पा रहे हमने, है ना। तो हम बता देते हैं वो चीज़। ये क्या है हमारी चेन लाइन है ना। ये लाइन हमारी क्या है जो शो कर रही है, ये क्या है चेन लाइन है। नीचे वाली क्या है, बारबेड वायर फेंचिंग, वायर की फेंचिंग देखा है। ठीक, ये आपका बिल्डिंग है। ठीक, ये भी बना रहता है ऊपर। ये क्या है टेम्पल, ये चर्च, मोसिक मस्जिद है ना। ये क्या है रेलवे डबल लाइन। ठीक, ये भी रेलवे लाइन कहेंगे सर, पर इसमें देखिए कुछ ये भी बना हुआ है ना डिजाइन। तो ये क्या है रेलवे ब्रिज है, ये क्या है रेलवे ब्रिज। ये क्या है, ये पक्की सड़क का निशान है ना, ये कच्ची सड़क का निशान। ठीक, पक्की सड़क का निशान ऐसे ही तो बना रहता है। ये वॉल एंड गेट का सिंबल, ठीक, दीवार और कहीं गेट साथ में। बिल्डिंग हो गया, ये क्या है कुएं का सिंबल है, गोल गोल है ना। रोड ब्रिज, ये क्या है वो रेलवे ब्रिज था, ये क्या है रोड ब्रिज। देखिए दोनों सिंबल लगभग सेम है, बस क्या बना दी बीच में रेल की पटरी आ गई, तो रेलवे ब्रिज और नॉर्मल रोड पे तो रोड ब्रिज। कोई चीज छूट तो है क्या, एक बार देख लिया जाए। सारे सिंबल के नाम लगभग हो गए। ये है एक चीज और, नॉर्थ डायरेक्शन शो करने के लिए होता है ना। देखते हैं कपास अपास में क्या बना रहता है ना, कहीं अगर हमने सिंबल बना दिया तो समझ लीजिए ये डायरेक्शन क्या है हमारी, नॉर्थ डायरेक्शन है बस सिंपल। तो लगभग सारे जो है सिंबल मैंने आपके बना दिए, और अगर आपको नोट्स करना हो तो नोट कर लीजिए, कोई चीज़ नहीं समझ में आती पूछिए। ठीक, बाकी जिनको अभी नहीं हुआ तो वीडियो रोक पर पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ जो भी चीज़ समझ में आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ डाउट हो या नहीं समझ में आती है तो हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर हमारा ग्रुप है ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम पे PDF अवेलेबल है जहाँ नोट्स मिल जाएगी आपको। ठीक, तो नोट्स आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक दे देंगे। ठीक, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।